आईपीएल सट्टा खिलाने वाले 10 सटोरी गिरफ्तार, एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देशन में बड़ी कार्यवाही। परासिया के पत्रकार पवन सिंह का दुर्घटना में निधन, लखनादून के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। भमोड़ी में तत्काल पेयजल की व्यवस्था करने कलेक्टर ने दिए निर्देश, समीक्षा बैठक में पीएचई विभाग को फटकार। मांगे पूरी नहीं होने पर अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संघ बैठेगा हड़ताल पर, शासन के नाम दिया ज्ञापन। और वृद्ध आश्रम में शुरू हुई श्रीमद भागवत कथा, पहले दिन निकली कलश यात्रा। छिंदवाड़ा जिले में एसपी विवेक अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस के द्वारा लगातार सट्टेबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस के द्वारा आईपीएल सट्टा खिलाने के मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 24 अप्रैल को मुखबिर द्वारा पुलिस को पांडे नर्सिंग होम के पास आईपीएल क्रिकेट सट्टा खिलाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल मौके पर दबिश दी। क्रिकेट सट्टा चलाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें छोटी बाजार निवासी अभिषेक गोयल, दर्शित बोरगांवकर, पिंटू उर्फ राहुल द्विवेदी को 5 मोबाइल और 10,000 रूपये की रकम के साथ पकड़ा गया है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक राहुल काकोड़िया, सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह सल्लाम, आदित्य रघुवंशी, मोहित साइबर सेल, आरक्षक सागर मर्सकोले, शुभेंद्र सिंह चौहान की उल्लेखनीय भूमिका रही। इसी प्रकार रामाकोना में 39,000 रूपये का क्रिकेट सट्टा पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें 7 आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैर जमानती धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। छिंदवाड़ा जबलपुर मार्ग पर लखनादून के समय पे सड़क दुर्घटना में परासिया के पत्रकार पवन सहित उनकी मां वैजयंती सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। घटना में उनके परिवार के अन्य 5 सदस्य सहित ड्राइवर भी घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए लखनादून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस हादसे में आनंद 41 वर्ष, अंकिता 32 वर्ष, अभिनव 2 वर्ष, इशिका 10 वर्ष, सुनीता सिंह और ड्राइवर संजय यदुवंशी को भी चोटें आई हैं। पत्रकार पवन सिंह अपने परिवार सहित बिहार से परासिया लौट रहे थे कि रविवार की रात करीब 3:30 बजे उनकी इनोवा कार लखनादून के पास मिडवे मील के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर ही पवन सिंह सहित उनकी मां वैजयंती सिंह की मौत हो गई। लखनादून पुलिस घटना की जांच कर रही है। पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद दोनों मां बेटे का शव परासिया उनके निवास लाया गया, जहां सोमवार को शाम परासिया में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जल निगम और पीएचई विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तामिया अंचल के ग्राम भमोड़ी में पेयजल की व्यवस्था तत्काल कराएं, प्राथमिकता के आधार पर पाइपलाइन बिछाकर पानी की सप्लाई शुरू करवाएं और सूचित करें। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की बुनियादी जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनने और पेयजल संबंधी शिकायतों का निराकरण त्वरित गति से कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन आज समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में पेयजल संबंधी शिकायतों में निराकरण की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा सीएम हेल्पलाइन समाधान ऑनलाइन, जनप्रतिनिधियों, विभिन्न आयोगों और वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों, स्कूलों और आंगनबाड़ी में नल जल योजना की प्रगति, बच्चों के कोविड टीकाकरण आदि की भी विस्तृत समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि शासन के द्वारा 30 अप्रैल तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो फिर वे 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सफाई मजदूर संघर्ष के द्वारा जो हमारा जो आंदोलन चल रहा है 18 सूची मांगों को लेकर, चरणों 6 चरणों में हो रहा था, यह 14 चरण है, इसमें हम पूरे हमारे जिला शाखा के अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमने ज्ञापन सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय को कि भाई हमारे द्वारा जो जनपद आंदोलन किए जा रहे हैं उसमें हमारा 5वां चरण जो रहेगा उसमें 30 तारीख को दोपहर का 2 बजे का पूरा कांड बंद रहेगा। 6वां चरण जो है हमारा एक वही मजदूर दिवस में पूर्ण रूप से सफाई कार्य बंद रहेगा, उसकी सूचना हमारे द्वारा दी गई है और शासन प्रशासन को मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर हमारे सफाई कर्मचारी की मांगों का निराकरण जल्द से जल्द नहीं होता है तो मध्य प्रदेश में बहुत उग्र आंदोलन होगा। निधिशी एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने एमपीपीएससी मेंस में पाई सफलता।
UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश अकेडमी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। सेवाई संकल्प ग्रुप के द्वारा गोधूली वृद्ध आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में सोमवार को पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। भागवत कथा में परम पूज्य श्री अरुण कृष्ण शास्त्री जी महाराज मथुरा वृंदावन से पधारे हुए हैं और उनके मुखार बिंदु से छिंदवाड़ा के हृदय स्थली पर स्थित श्री वृद्ध आश्रम, जहाँ पे कि बहुत सारे बुजुर्ग अपने घरों से दूर रहते हैं, इनकी सेवा के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के द्वारा, क्योंकि बुजुर्ग जन अपने घरों से दूर रहते हैं और यहाँ पर है, उनके लिए यह भागवत आयोजित की गई है कि उन्हें भी श्रीमद् भागवत कथा का लाभ मिले और वो भी एक बार श्रीमद् भागवत कथा का स्वर्ण पान कर सके। इस तरह से सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज के दिन 25 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का पहला चरण कलश यात्रा का शुभारम्भ हो रहा है। नगरपालिका निगम के द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार चल रही है। इसी क्रम में सोमवार को निगम के अतिक्रमण हटाने वाले अमले के द्वारा स्थानीय गायत्री मार्केट और दीनदयाल पार्क क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले कुछ दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही भी की गई। इस कार्रवाई में नीरज तांबे, साजिद खान, शेखर पटेल, सुभाष मालवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन द्वारा यूनियन के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती राज्य सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जिसमें 13 से लेकर 15 मई तक यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंट यूनियन द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो ELC चौक से होते हुए शहर के मुख्य बाजार से रघुवंशम लॉन पहुंचा, जहां पर इसका समापन हुआ। हम फाउंडेशन भारत के द्वारा सोमवार को ट्राईसाइकिल के लिए परेशान एक बुजुर्ग को निशुल्क ट्राईसाइकिल दी गई। सामाजिक न्याय और निशक्त कल्याण विभाग से मिलने वाले उपकरण जिले में इन दिनों दिव्यांगों को नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी हो रही है। ऐसे एक मामला परासिया रोड वार्ड नंबर 40 में सामने आया था, जहां पर सीताराम सातपुते का एक पैर नहीं था, जिन्होंने ट्राईसाइकिल के लिए सामाजिक न्याय निशक्त कल्याण विभाग में आवेदन दिया था, लेकिन यहां पर बजट का रोना रोते हुए अधिकारियों ने दिव्यांग उपकरण उपलब्ध नहीं कराए थे, जिसके बाद समाजसेवी संस्था हम फाउंडेशन भारत के सदस्य आ गया और उन्होंने बुजुर्ग की मदद की। आज एक अखबार में न्यूज पत्र ये ज्ञात हुआ कि वार्ड नंबर 40 श्री सीताराम सुरतपुते जी, जो कि इनका की पैर नहीं है और जो माली मोहल्ले में निवास करते हैं, वो ट्राई साइकिल के लिए बहुत दिन से परेशान है और उनके परिजन इधर उधर भटक रहे हैं। जब हमें ये ज्ञात हुआ तो हमने श्री स्वर्गीय चुन्नीलाल राय जी की स्मृति में
गुप्ता परिवार के सहयोग से आज हम फाउंडेशन के तत्वाधान में इनको ट्राइसाइकिल प्रदान किए। हम फाउंडेशन भारत जो कि निरंतर दिव्यांग सेवा में कार्यरत है, इसके पहले भी हम 25 लोगों को ट्राइसाइकिल प्रदान कर चुके हैं, आगे भी दिव्यांगों की सेवा में हम फाउंडेशन निरंतर कार्यरत रहेगा।